सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए गाइज, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कल से आपका डबल ए इंडियन नेवी SSR का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। कल पहली शिफ्ट का पेपर है और कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा भाई। अगर आपको मुझ पर बिलीव हो तो प्लीज़ देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में अपनी बात मैं फिनिश कर दूँगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर, तो पहली बात, सभी अपने सेंटर पर जिन जिन का सेंटर है टाइम से पहुंच जाना भाई। देखिए मॉर्निंग पे 8 बजे रिपोर्टिंग है और वहाँ पे दिया हुआ है कि अपना जो पहुंच जाओ, ठीक है, 10:30 तक पहुंच जाओ। हाँ, बट पेपर आपका 11 बजे से स्टार्ट होगा और आपको मैं रिव्यू के साथ में जिन जिन का पेपर बाकी है उन्हें 12:20 तक या 12:10 तक मिल जाऊँगा, 12:15 मान सकते हैं। उसके बाद जिन जिन का कल पेपर है भाई, रिव्यू ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और मैं अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा अपना नंबर, वहाँ से जाके अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए भाई देखिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चंस में अभी भी अगर आज की नाइट अगर आपके पढ़ने का प्लान है, मैं नहीं कहता कि भाई ना पढ़ो, ठीक है, मतलब थोड़ा रेस्ट लिया जाता है, बट कोई नहीं, सारे के सारे पढ़ते हैं। आप ही है जो नहीं पढ़ोगे, ठीक है, बट पढ़ते सभी हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ सारे के सारे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मतलब 11-12 और मॉर्निंग पे 3-4 बजे उठ जाइए, मतलब आज थोड़ा कम सो लीजिए क्योंकि कल पेपर है। तो हाँ, और एक बार देखिए, थोड़ा अगर रेस्ट कर लोगे तो होगा क्या कि कल मॉर्निंग पे वहाँ पे गए पहले आपको 8 बजे एंट्री करा लेंगे और पेपर आपका कब होने वाला है, 11 बजे। मतलब कि हद है भाई, 2 से 2.5 घंटे बैठा ले रखेंगे आपको अंदर एग्ज़ाम पे। काफ़ी कैंडिडेट सो जाते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम पे, जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है ना तब वो जगते हैं, आपस में सब बातें करते हैं इधर उधर, जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ में। नेक्स्ट थिंग गाइज, आपको करना क्या है भाई, आपके सामने 100 क्वेश्चन टारगेट, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 में आपको 100 का टारगेट नहीं रखना, आपको टारगेट रखना केवल 55 नंबर, केवल 55 नंबर। नेवी है 60 मिनट, 55 क्वेश्चन, कितने मिनट, 60 मिनट, यू हैव अ 60 मिनट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 55 क्वेश्चंस। मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि आपको इतने अटेम्प्ट करने चाहिए 55। आप किसी भी स्टेट से आते हो, यूपी, राजस्थान एंड इंडिया के किसी भी स्टेट से आते हो, यूनियन टेरेटरी से आते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी, मतलब कहीं से भी आते हो, ऑल ओवर इंडिया अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो भाई, ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, आपको भाई टारगेट 55 टू 60 नंबर का मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। अब होगा क्या, वो कैंडिडेट कन्फ्यूज, देखिए डबल एक एग्ज़ाम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो पूरा 1 नंबर पे ऐसे क्लिक करोगे साइट पे, 1 के बाद सीधा पहुंच जाओगे 60 पे, ठीक है। और सबसे पहले आपका इंग्लिश सेक्शन होगा, फिर आपका मिल जाएगा फिजिक्स, GK एंड लास्ट में आई थिंक मैथ होता है, या लास्ट में आई थिंक GK होता है। कोई नहीं, आज की रात अगर पढ़ने वाले हो, कुछ नहीं पढ़ना, कैपिटल एंड करेंसी पढ़ लेना, GK में और कुछ नहीं पढ़ना। अगर GK वगैरह पे टाइम वेस्ट करना चाहते हो भाई मत करना, केवल कैपिटल एंड करेंसी, फुल फॉर्म्स और कुछ नहीं। क्योंकि जो 10 नंबर आपको लाने हैं ना GK वाले सेक्शन पे, 10 नंबर, 10 से 12 नंबर इस पे लाने हैं ना, वो ऐसे ही आ जाएंगे। कहने का मतलब है, क्योंकि आपको एक टॉपिक मिलेगा रीजनिंग, इतने इजी क्वेश्चन आपको आएंगे कि देखते ही कर पाओगे उसमें, ठीक है। और ब्लड रिलेशन पे मत फंसना भाई, ब्लड रिलेशन पे मत फंसना, उसे छोड़ देना, क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास करना जिस पे आपको लग रहा हो कि हाँ ये डाउट में हटाओ, छोड़ो। मतलब पहले आपको 55 करने 60 मिनट में, देखिए हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे ना भाई, इजली सही हो जाएगा। मैथ पे, फिजिक्स पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे, आराम से सही कर पाओगे। बस क्या है, 55 का टारगेट आप कैसे अचीव कर पाओगे, मेरे कहने का मतलब है आपका हर एक सब्जेक्ट पे आप अगर 10-10 नंबर लेके चलिए, सेक्शनल जो कट ऑफ होता है, ठीक है, आप 40 नंबर ला पाओगे। आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हुआ, ठीक है, मान लीजिए फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश, या फिर गाइस बात करूँ आपका GK या रीजनिंग, अगर GK थोड़ा सा ईजी आ जाता है तो आप तो सभी उस पर अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, ठीक है। और पेपर देखिए ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बट फिजिक्स एक ऐसा सेक्शन है, आज की नाइट अगर आप पढ़ना चाहो तो फिजिक्स पढ़ लेना, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा है जो मैं मतलब बता रहा हूँ, मोस्टली कैंडिडेट फिजिक्स सेक्शन से ही आउट होते हैं, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं उसी से आउट होते हैं। तो आपको जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है। और ये सजेस्ट आपको किसी भी तरह से नहीं करना चाहूँगा कि आप YouTube पे जाएं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें भाई, कुछ नहीं, सिंपल सा आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स हों, डायमेंशंस पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग गाइज, आपको करना क्या है, बुक्स पे आपके पास जो भी नोट्स हों वो पढ़िए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ऑफलाइन रहिए, फ़ोन पे अपने ऑफलाइन रहिए, ऑनलाइन रहने का प्रयास मत करिए। जितना कर पाओ अपने, अभी घर पे अगर अपने अपने हो या सेंटर्स पे पहुंचने वाले हो, तो बस सभी के सभी अपना ऑफलाइन पढ़ने का ट्राई करो,
ऑनलाइन मत जाओ, मतलब कि चलो भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं, चल के यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे हम मत जाओ। आज जिनका एग्जाम है कल मॉर्निंग पे, मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनका अभी आगे है तो वो तो कोई बात नहीं। और देखिए आपको फील होगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो वहाँ पर आपको फील होगा कि अरे भाई इतना टफ पेपर आ गया, मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी ऐसी थी। जीके पे देखिए हो सकता है मे बी कैप्टन एंड करेंसी से क्वेश्चन ना आए, मे बी आपका चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। और हो सकता है आपका डांस रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, क्योंकि इंडियन नेवी ज्योग्राफी से कहीं लेवल बढ़ा के रख दें, कहीं लेवल घटा के रख दें, कुछ भी, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर रिटर्न एग्जाम। अगर आप रिटर्न पे अच्छे नंबर कर देते हैं आप इंडियन नेवी पे सेलेक्ट हो, है वो ना मेरे कहने का मतलब, अगर आप अच्छे नंबर ला पाओगे तो आप सेलेक्ट हो, तो आपको डरना नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो। और एक बात और याद रखना, जितना पढ़ना हो नाइट में ही पढ़ लेना वहाँ पे, मतलब जब एग्ज़ाम टाइम पहुँचे ना, तो देखा है मैंने बहुत सारे कैंडिडेट कॉपी लिए इधर लगे पढ़े, इधर इस कोने पे, कोई इस कोने पे, ये सब मत करना, ठीक है सर। मतलब जब से फॉर्म आए, 3-4 महीने से फॉर्म आए, तब से पढ़ाई नहीं कर पाओ, अभी 15 मिनट में क्या कर लोगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब भाई समझ रहे हो ना, तो अपना और दूसरे के चक्कर में मत पड़ना कि भाई ये वो बगल वगैरह पे, अपना करना, अपने मन के अकॉर्डिंग करना, जो आपके मन में है वो करना। आपको 60, मेरे कहने का मतलब 60 नंबर, 60 तो नहीं 55 नंबर ला दोगे, किसी के सामने आपको किसी यूट्यूबर से, किसी यूट्यूब पे जाके वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि इंडियन नेवी डबल SSR का फाइनल कट ऑफ कब जाएगा, फाइनल कट ऑफ कितनी मेरिट जाएगी। एयरफोर्स वाले अभी भी हमेशा कहते रहते हैं भाई इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, हमेशा भाई कट ऑफ पे वीडियो बना दो। 10 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जब से ये हुआ 5 वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी डेली कमेंट, कम से कम 100 कमेंट आते हैं भाई फाइनल कट ऑफ पे वीडियो बना दो। तो भाई उसका लॉजिक क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि वो क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि शायद इस बार भाई ने लास्ट टाइम 39.50 बोला था, इस बार 39 पे आ जाए। बट मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, अगर आप टारगेट 55 फिक्स करोगे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कभी कट ऑफ इतना गया ही नहीं। अगर आप 40-50 नंबर ले आते हो तो एग्जैक्टली आप सेलेक्ट हो, तो इतने नंबर का टारगेट रखना, आराम से पॉजिटिव माइंड से जाना एग्ज़ाम पे, और ज़्यादा मत जगना, थोड़ा बड़ा पढ़ लेना नाइट में, फिजिक्स वगैरह मैथ के फार्मूले रिवाइज कर लेना, और GK पे मैंने कुछ चीज़ें अभी बताई कुछ देर पहले, एंड नेक्स्ट इंग्लिश वो कैप्स मत पढ़ना, वो कैप्स में जैसे कि एंटोनिम एंड साइनोनिम जो आना होगा आपके पढ़ने का अभी तक जो पढ़ा होगा, और रिवाइव करने की भी कोई नीड नहीं है। अगर वो कैप में अगर आप 2 नंबर छोड़ भी देते हो एंटोनिम साइनोनिम कोई नीड नहीं है, पैसे छोड़ देते हो 5 नंबर में अगर 2 करते हो कोई है, ठीक है। उसके बाद इतना इजी सेक्शन 2 डायरेक्ट मिलेंगे आपको, ये इजिली गेट कर पाओगे, 2 पैसिव मिलेंगे ये कर पाओगे, उसके बाद वहाँ पे आपको कंजक्शन मिल जाएगा, एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंग्लिश सेक्शन भी बहुत इजी आता है, बस मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, जिसे मैं जनरल से, मैं खुद भी डरता था फिजिक्स से, ठीक है, हमेशा फिजिक्स से डरता था कि भाई फिजिक्स पे पास होऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स सेक्शन आपको भाई क्रैक करना है, अगर आप फिजिक्स कर लिए ना क्रैक, कोई आपको रोकने से, एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो भाई आराम से बी पॉजिटिव एंड इजली जाओ एग्ज़ाम पे, कोई डाउट हो बेझिझक आस करना, बट एग्ज़ाम पे वहाँ पे सोना वगैरह मत, तभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी इसे जाइए प्रैक्टिस कीजिए, अभी पढ़िए थोड़ा बारह जो प्रैक्टिस पढ़ना हो, और 11-12 बजे सो जाना आराम से, मॉर्निंग पे जगना, और अपने मन के अकॉर्डिंग अपने अनुसार सेंटर पे पहुँचिए, टाइमिंग से सेंटर पे पहुँचिए, जो डॉक्यूमेंट ले जाने उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो डॉक्यूमेंट लेके पूरे के पूरे जाइए, और भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आस कीजिए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा आज, ठीक है। इस वीडियो पे जितने भी रिप्लाई कमेंट आएंगे सभी की रिप्लाई करूँगा, हाँ, और रिव्यू कल आपको सबसे पहले मैं देने का प्रयास करूँगा, मैं वैसे एक्टिव ही रहूँगा और आपके साथ ही रहूँगा, तो टेंशन नहीं लेने का। और अभी भी जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है आप अभी तक मैंने आपको नहीं प्रोवाइड किया, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जाके सारा का सारा सब कुछ सेंड कर दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन #, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से बेसिकली आप यहाँ तक देखिए वीडियो देख के आए हो तो थैंक यू सो मच, ठीक है, मेरी तरफ से आपको, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि थोड़ा कुछ ऐसा बनाया जाए, आपको थोड़ा मतलब गाइड किया जाए कि कैसे अटेम्प्ट करना है। 60 क्वेश्चन बस आपको इतने नंबर लाने हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एग्ज़ाम पर आपको बस देखिए जहाँ पे आप 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स करने बैठे, 5 के 5 नहीं है, मैं फिजिक्स का सेक्शन बता देता हूँ एक बार फिर से, 5 क्वेश्चन नहीं आए, हाँ, और 5 में 1 में आपको डाउट था, आपने पक्का डाउट वाला करना है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको 4 तो इलिमिनेट कर रहे हो, 5वां डाउट था आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसको डाउट वाले को पहले कर दिया भाई, यही नहीं करना, छोड़ दो भाई उसको भी छोड़ दो, 5 ही तो छोड़े, आगे 6वां भी छोड़ दिया, 7वां भी छोड़ दिया, शायद अब 7 आ जाए,
सात नहीं पाँच आ जाएँ, फिर आगे चल के हम पाँच मतलब फिजिक्स पे आपको आठ नंबर ला देने, उसके बाद बाकी आप कर दोगे बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरा कुछ प्लान था आपके लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।